इधर नागन है, नागन ने बच्चे दिए हैं, इधर नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू मिसू फैमिली व्लॉग। तो व्लॉग तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, शुक्रिया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग जो है, ये देखें जी, ये मेरी कॉपी कर रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे ही मेरी कॉपी करके बोले जा रहा है। तो जी आज का जो व्लॉग है, आज का व्लॉग आप देख सकते हैं, मेरे घर में जो है लंडा बाजार लगा हुआ है। तो किस किस को खरीदने हैं सर्दियों के लंडा कपड़े किस किस को खरीदने हैं? यहाँ भी बंडल पड़ा हुआ है, वहाँ भी बंडल पड़ा हुआ है, वहाँ भी पड़ा हुआ है, यहाँ भी पड़ा हुआ, यहाँ भी बैगों में भी पड़ा हुआ है। तो असल में आज जो है सब कुछ भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो ये ऐसा हो रहा है कि आजकल जो है ना, आपको बताया जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई है हमारे पास, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, अब हर जगह का पाकिस्तान का वेदर जो है चेंज होगा। अब ठंड से जो है धूप में गर्मी में आएगा। तो बिल्कुल इसी के साथ जो है ना, बक्से जो होते हैं ना, अक्सर जो स्टैचीज होती है ना, वो जो होते हैं ना भारी कपड़े होते हैं, मोटे कपड़े होते हैं, उनसे ज्यादा भर जाते हैं, क्योंकि वो इतने फुले फुले होते हैं ना, तो कपड़े रखने की जगह नहीं होती है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा है कि आज जो है मैं पूरी जो है चीजें हैं उन सब चीजों को निकाल के, कपड़े निकाल के, वो जो है बड़ी पेटियों में डालू। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में बड़ी पेटी आपको नजर आ रही है, तो वो मैं गठली बांध बांध के अभी मैं सारे कपड़े जो थे सेपरेट कर रही हूँ, जो गर्मी के थे वो आउट कर रही हूँ, और सर्दियों के कपड़े बक्से में डाल रही हूँ, पेटियों में डाल रही हूँ। तो बस उसी काम में लगी हुई हूँ। तो और आप लोग सुनाएं कि आप लोगों के पास मौसम कैसा है? हाँ जी, ये भी साथ साथ घूम रहे शरारती। तो बस कपड़े ऐसे होते हैं ना, कहते हैं कि सर्दियों के कपड़े जो है मैंने पहले थोड़े 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 बच्चों के लिए खरीदती रहती थी, तो वो तो पड़े हुए, अब गर्मी आ गई है। पीछे हट बेटा, कहाँ पे नागिन घुसी? वो तो पागल है, बेवकूफ है मेरा बेटा जो है ना बड़ा, वो ऐसे ही चबले मारता रहता है, डराता रहता है सबको, कहता है इधर नागन है, नागन ने बच्चे दिए हैं, इधर नहीं जाना। नागिन नागन नागिन वो ही एक बार नागिन कहते हैं, नागन नहीं कहते। अच्छा जी, नागिन कहते हैं, नागिन। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। कपड़े वाली, कपड़े वाली, कपड़े वाली बाजी, कपड़े लेने हैं? नहीं लेने। अरे बाजी ले लो, इतना वजन उठा के घूम रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे, गिर जाएंगे, ले लो। उस घर में जाओ। नहीं आप कुछ ले लो, कुछ उस घर में दूंगी बाद में। ये पूरी दो। पूरी दो उठा लोगे? कितने पैसे दोगे? पहले पैसे बताओ। 200। हाय हम मैंने नहीं बेचने, 200 के जाओ जाओ निकलो। नहीं ठीक है, 1000। ओए ओए, एक बंडल जो है मैंने बांध दिया। आमीन। 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 इसको मेरी मारती है ना, शरारतें इतनी करता है, जब भी शरारतें कर रहा था तो जल गया था। तो जीवस, मैंने जो है पूरी पेटियां वगैरह समेट दी हैं, कपड़े डाल दिए हैं पेटियों में, और थक भी बहुत गई हूँ। सुबह से मैं लगी हुई थी इसी काम में कि मैंने कहा ये चीज़ करके रख दूँ। कभी बच्चे बोल रहे हैं गर्म कपड़े हैं ठंडे कपड़े दो, दूसरे नरम कपड़े दो नरम कपड़े दो, तो वो तो जाहिर सी बात है नीचे पड़े थे, तो आज तो सारे निकाल लिए हैं, क्योंकि अब ठंड तो आने वाली नहीं है। मेरे बेटे ने आपको प्यारी प्यारी नातें सुनाई हैं, नमाज पढ़ी है, दुआ मांगी है,
आप सबके लिए, हम सबके लिए दुआ मांगी है। अल्लाह पाक इस बच्चे की दुआएं कबूल करे और हमारी तमाम जो भी परेशानियां मुसीबतें हैं वो दूर करे। आमीन सुमा आमीन। तो अभी हम व्लॉग को एंड करते हैं, तो उम्मीद है हाँ सारी पढ़ के सुनाइए। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं, तो मिलेंगे किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक आपसे लेते हैं इजाज़त, रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।